साथियों सबसे पहली खबर बनी है हाल ही में कौन सी प्रसिद्ध गायक ऐसी रही है जिसका विरोध प्रदर्शन जो है वो किसानों के लिए मतलब एक अच्छी बात कही जा सकती है क्योंकि अब किसानों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होना शुरू हो गया है और उन सिंगर का नाम है मेरे प्यारे साथियों रिहाना हाल ही में क्या हुआ है मैं आपको पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा गवर्नमेंट का क्या पक्ष रहा भारत के अंदर कितने सारे ऐसे ग्रुप बन गए जो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं आप अपनी राय बनाइएगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी राय में कोई तो भी आपकी राय हो लेकिन उस राय को कमेंट बॉक्स में ना लिखें क्योंकि आपकी अपनी राय है मैं आपको सबकी राय सुना रहा हूं मैं मेरी नहीं सुना रहा हूं जितनों ने भी जो कुछ बोला मैं आपके सामने वो सब रखता चला जाऊंगा मेरा ऑनेस्ट काम यह है कि मैं सबके बारे में आपको कुछ ना कुछ बताऊं ठीक है इसके अलावा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ना थोपें और वो आपकी अपनी निजी राय है हम केवल आपको सबकी राय से अवगत कराने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं तो इसको देखिएगा साथियों हुआ क्या है कि हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय सिंगर है जिनका नाम है रेहाना उन्होंने एक ट्वीट किया क्या ट्वीट किया अब मैं आपको वो बताता हूं ट्वीट था इस प्रकार से रेहाना ने अपने द्वारा फरवरी दो को एक ट्वीट किया और उसमें लिखा वाई आंट वी टॉकिंग अबाउट दिस मतलब हम क्यों इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कौन सी बात पर चर्चा करने की बात करी इन्होंने वी अबाउट दिस के ऊपर के कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें इन्होंने सी एन एन न्यूज नेटवर्क के द्वारा कवर की गई न्यूज को कवर किया इसमें लिखा कि इंडिया ने इंटरनेट को दिल्ली के आसपास बंद कर दिया है ताकि फार्मर्स का जो क्लैश है पुलिस के साथ वो उजागर ना हो सके दिल्ली के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया है और आपको मालूम है इंडिया में आजकल ये बहुत कॉमन है जहां भी कोई स्थिति ऐसी बिगड़ती दिखती है पुलिस वहां का इंटरनेट बंद कर देती है पुलिस को लगता है कि इंटरनेट बंद होने से सूचनाएं प्रसारित नहीं हो पाएंगी और स्थिति को काबू में लाया जा सकेगा ठीक बात है पुलिस का अपना प्रशासनिक काम है वो अपना कर रही है इन्होंने इस पर जैसे ही कमेंट किया जैसे कि सब लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे थे दुनिया भर से तमाम सेलिब्रिटीज बैक टू बैक इनके साथ साथ कमेंट्स में उतर पड़ी लेकिन आप जानना चाहेंगे कि रिहाना कौन है तो मेरे प्यारे साथियों रिहाना असल में एक बहुत बड़ी सिंगर है सिंगर अमेरिकन सिंगर हैं लेकिन खुद इनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ इनका जन्म कहां पर हुआ तो इनका जन्म मेरे प्यारे साथियों एक कैरेबियन देश है जिसका नाम है बारबाडोस इनका जन्म वहां पर हुआ और ये बहुत बड़ी सिंगर है मतलब इनके जो मतलब चाहने वाले लोग हैं उनकी संख्या करोड़ों में है और बहुत अच्छे से मतलब इनको इन्होंने दो में जब एक परफॉर्मेंस दिया था उसके लिए इन्हें ग्रैमी भी मिल चुका है बहुत ही प्रतिष्ठित पॉप सिंगर हैं ठीक है ना मतलब आज आप शायद इनको ना जानते हो क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट ना हो लेकिन दुनिया में लोग इन्हें बहुत जानते हैं करोड़ों की संख्या में लोग इन्हें इंस्टा ट्विट, इंस, इंस्टा ट्विटर इन ट्विटर जगह पर फॉलो करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनका जैसे ही कुछ कहना हुआ तुरंत दुनिया भर के बहुत सारे सेलिब्रिटीज उतर पड़े उनमें से जो प्रमुख लोग उतरे उनमें नाम निकल करके आता है मीना हैरिस का अब ये कौन है ये नीस है कमला हैरिस की ये भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं यूएस के अंदर यूएस के अंदर मीना हैरिस ने अपना कमेंट बिल्कुल इसी प्रकार से किया और इन्होंने लिखा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दैट दी वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी वाज अटैक्ड नॉट इवन ए मंथ अगो एंड वी स्पीक द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी इज अंडर असोल्ट मतलब इन्होंने दो चीजों को एक साथ कनेक्ट कर दिया एक तो जो हाल ही में मुंबई क्या बोलते हैं उसको जो कैपिटल हिल है यूएस के अंदर जहां पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था और वहीं इसी प्रकार का इंडिया में भी प्रदर्शन हुआ इन दोनों को इन्होंने मिला दिया और एक प्रकार से यह समझिए कि इन्होंने दोनों ही तरफ डेमोक्रेसी के ऊपर हुए प्रहार को यह समझाया और साथ में डेमोक्रेटिक रूप से यह सही समझाया कि फार्मर प्रोटेस्ट सही है ठीक है सबको अपनी बात रखने का अधिकार है इन्होंने भी रखा एक और प्रमुख नाम जो यहां पर निकल के आया वो नाम था मेरे प्यारे साथियों ग्रेटर थनबर्ग का शायद इन्हें आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो रेहाना को आप शायद ना जानते हो और हो सकता है आप में से कुछ जानते हो मैं इस बात के बारे में भी कोई आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं लेकिन ग्रेटा थनबर्ग वेरी मच नॉन है ये स्वीडन की एक बच्ची है मतलब माइनर ही है अभी अठारह साल से कम की ही है और ये इसलिए बहुत ज्यादा विश्वविख्यात है क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के हित में बहुत सारे मोर्चों पर अपनी बात रखी है पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव समझी गई हैं टाइम्स मैगजीन ने कवर फोटो पर इन्हें कवर किया है ये बहुत ही ज्यादा दुनिया में लोकप्रिय हैं क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो इनकी संवेदना है ये इन्होंने दुनिया भर में इवन यूएन के अंदर भी बहुत अच्छे से रखी है इन्होंने अपने द्वारा एक कमेंट किया और वो था कि वी स्टैंड इन सोलिडिरिटी विद फार्मर प्रोटेस्ट अर्थात हम अपने आप को भारत में हो रहे जो कृषि बिल विरोध है उनके साथ में खड़ा रखते हैं अब बात बड़ी यहां पर निकल करके दो आई क्या निकल करके आई कि इन्होंने एक शब्द यूज किया और वो शब्द था मेरे प्यारे साथियों वी वी स्टैंड इन अब ये जो वी शब्द है ना ये बड़ा ही एम्बिगुअस शब्द है क्यों एम्बिगुअस है एम्बिगुअस इसलिए है कि यहां पर वी की व्याख्या नहीं है हम लोग जो हैं आप और हम जब बात करते हैं कि हम हम शब्द का अर्थ होता है अपन अंकित परिवार की बात कर रहे हैं बिहार और यूपी के अंदर हम आदमी अपने आप को भी बोलता है कि मतलब हम ऐसा कर रहे हैं हम वो करेंगे अपने आप को भी बड़ी इज्जत से व्यक्ति जो है यूपी और बिहार के अंदर व्यक्ति अपने आप को भी रखता है लेकिन इनका जो ये वी था ये बड़ा ही एम्बिगुअस था ये समझ में नहीं आया कि ये अपने आप को वी कह के संबोधित कर रही है या फिर जिन्होंने एक ही दिन में ट्वीट किए हैं इन्हें ये अपने आप को वी कहके संबोधित कर रही हैं मतलब ये हुआ कि जो मीना हैरिस हैं या फिर इनसे पहले जो रेहाना हैं या फिर ये हैं इन सबके बीच में जो वी शब्द यूज हुआ अच्छा इसी बीच में एक लेबेनीज पॉर्न स्टार है जिनका नाम है मिया खलीफा उन्होंने भी मेरे प्यारे साथियों इस बात को मैंशन किया तो ये सारे लोग एक ही दिन में एक्टिवेट हुए तो ये वी शब्द किसके लिए था अब बस यहीं से रडार घूमना शुरू हुआ भारत के अंदर कि ये कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है यहां पर ये सब लोग एक ही दिन में कैसे एक्टिवेट हुए इस बात के ऊपर सामान्यतया विदेश मंत्रालय संज्ञान नहीं लेता है लेकिन अनुराग श्रीवास्तव जो भारत के मतलब स्पोक पर्सन है उन्होंने आकर भारत सरकार की तरफ से आकर के इस बात को बताया कि जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो एक ही दिन में एक्टिवेट हुए हैं और एक ही दिन में एक्टिवेट हुए हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें रादर देन ये समझने के कि सरकार किसान विरोधी है उन्होंने अपना स्टैंड रखा सरकार ने अपना स्टैंड रखा और उन्होंने बताया कि सरकार किसान विरोधी है ये एक नोशन क्रिएट करने का ग्लोबली प्रयास किया जा रहा है यानी लोगों के मन में एक प्रोपोगंडा सेट किया जा रहा है इस स्थिति में भारत को अपने आप को यूनाइट रखना होगा लोग जो भारत के अंदर मतलब फांसी बात मतलब जो टुकड़े करवाना चाहते हैं भारत की विचारधाराओं में अंतर करवाना चाहते हैं लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं सरकार को इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं कि सरकार किसान विरोधी है हमें उन सब से बचना होगा और मेरे प्यारे साथियों इस बचने की मुहिम में सरकार के आह्वान पर एक नया ट्वीट जो है वो ट्रेंड करने लगा अब मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा शायद हमारी टीम ने वो लगाया हो मेरे प्यारे साथियों आ, हाँ जी इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों यहां पर मैं पहले उस चीज को बताना चाहूंगा कि सरकार ने किस चीज को उठाया फिर मैं ग्रेटा की पूरी बायोग्राफी खोल के आपके सामने रखूंगा कि क्या इन्होंने ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से सरकार के द्वारा कहा गया कथन सत्य प्रूव हुआ आइए मैं आपको बताता हूं साथियों हुआ ये कि इनके बाद में जैसे ही सरकार ने ये कहा कि भाई अगर ये लोग एक ही रूप में संगठित रूप से अपने ट्वीट कर रहे हैं तो हमें सबको चाहे किसान है चाहे सरकार है यानी जो विरोध में है पक्ष में है विपक्ष में है हमारे देश का मुद्दा हमें खुद निमटना होगा सरकार ने अभी तक विरोध प्रदर्शनों को बंद करने के लिए एक बार भी नहीं कहा है एक इवन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने भी नहीं कहा है कि भाई विरोध प्रदर्शन बंद कर दिए जाए तो ऐसी स्थिति में हम तो ऑलरेडी विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार मानते हैं प्रदर्शन चल रहा है ऐसी स्थिति में हम सबको इंडिया टुगेदर दिखाना है और हुआ भी है लोगों ने इंडिया टुगेदर पर ट्वीट किए और भारत में मेरे प्यारे साथियों इंडिया टुगेदर नंबर वन ट्रेंड करने लगा इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा यह भी ट्रेंड करने लगा नंबर दो पर यह पॉलिटिकल ट्रेंड में ऊपर आ गया अब बड़ा सवाल बनता है कौन सही कौन गलत अच्छा इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहां पर इंडिया विद मोदी फार्मर्स प्रोटेस्ट रिहाना एंड ग्रेटर थनबर्ग नंबर चार पर मेरे प्यारे साथियों ट्रेंड करने लगा ट्रेंड का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिन्हें बहुत ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं वो चीजें ऑटोमेटिक ट्रेंड पर चली जाती हैं यह सरकार के आह्वान पर हुआ भारत के अंदर बहुत सारी सेलिब्रिटीज अजय देवगन अक्षय कुमार करण जौहर कंगना रानौत इन सब ने अपने द्वारा लता मंगेशकर सचिन तेंदुलकर इन सब ने अपने द्वारा ट्वीट किया और कहा कि इंडिया टुगेदर एंड इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा अब बड़ा सवाल बनता है ये प्रोपोगेंडा क्या है अब मैं आपको वो बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों हुआ क्या यहां पर ने एक गलती से जो कि गलती क्यों कही जा रही है क्योंकि ग्रेटर थनबर्ग ने बाद में इसे डिलीट कर दिया असल में ग्रेटर थनबर्ग ने जैसे ही ये कमेंट किया उसके बाद उन्होंने अपने ही ट्विटर हैंडल से एक जानकारी और शेयर कर दी कौन सी जानकारी शेयर कर दी उन्होंने अपने द्वारा ट्विटर हैंडल से यह जानकारी शेयर कर दी जिसमें लिखा था हेयर इज ए टूल किट इफ यू वॉन्ट टू हेल्प यानी कि यहां पर आपको मदद के लिए कुछ उपयोगी इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं यदि आप इस मतलब फार्मर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं इन्होंने एक टूल किट के रूप में गूगल डॉक्यूमेंट साइन मतलब गूगल डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया उस डॉक्यूमेंट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे वो पॉइंट्स लोगों ने डाउनलोड कर लिए जब वो पॉइंट डाउनलोड किए तो उन पॉइंट्स के अंदर मेरे प्यारे साथियों यहां पर इस प्रकार की बातें थी कौन सी बातें थी कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो कार्य किया है असल में एक शब्द है प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा होता क्या है किसी निश्चित टारगेट को दिमाग में रखते हुए एक जो नोशन क्रिएट किया जाता है उसे हम प्रोपोगेंडा कहते हैं यहां पर इन्होंने अपने द्वारा एक पेज शेयर किया था उस पेज में क्या लिखा था यहां पर लिखा हुआ है आस्क इंडिया वाई ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक फर्स्ट वेव विल यू बी ए पार्ट ऑफ लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री यहां पर इस प्रोटेस्ट को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बनाने की स्कीम लिखी हुई थी कि कैसे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसान विरोधी इसे दुनिया का नंबर वन प्रोटेस्ट बना दिया जाए मतलब जो कृषि बिल विरोधी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसे नंबर वन बना दिया जाए उसका पूरा स्टेप वाइज स्टेप प्रक्रिया लिखी हुई थी उन प्रक्रियाओं में कुछ क्रम में पद ऐसे लिखे हुए थे जो काफी ज्यादा आपत्तिजनक थे क्या थे इधर देखिए इसमें सबसे पहली बात यह लिखी थी जो कि काफी ज्यादा ऑफेंसिव थी इन्होंने ट्वीट साइन किया मतलब अभी दो दिन पहले यानी दो से तीन फरवरी के बीच के इनके सारे ट्वीट हैं लेकिन उन ट्वीट में एक बात समझने की थी कि इन्होंने जो फाइल शेयर की उसमें छब्बीस जनवरी जो है इधर अगर आपको दही से दिखाई दे रहा हो तो पार्टिसिपेट और ऑर्गेनाइज और ऑन और ग्राउंड प्रोटेस्ट इसमें 26 जनवरी मेंशन थी 26 जनवरी को पूरे देश ने एक ऐसी घटना देखी जिसके विरोध में अक्सर हर हिंदुस्तानी था कि जिस दिन गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था वहीं पर कुछ उपद्रवियों ने लाल किले की प्राचीर पर जो घटना की उससे भारत की इमेज को बहुत डेंट पहुंचा वो चीजें भी इसमें मैंशन थी मैंशन से मतलब कि छब्बीस जनवरी के दिन भी क्या किया जाएगा उसकी एक रणनीति थी जो इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी इसके अलावा और क्या था इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहां पर बहुत सारे तरीके मेंशन थे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप लोग जितने भी लोग हैं वो आने वाले टाइम में 21 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में अपने द्वारा मतलब आने वाले टाइम में अभी 21 से 26 फरवरी के बीच का जो टाइम है इस दौरान क्या क्या कर सकते हैं वो प्लानिंग लिखी हुई थी कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा करें देखिए हर आंदोलन की अपनी एक तैयारी होती है ऑब्वियस ही बात है इसमें कोई गलती नहीं है और उन्होंने अगर ऐसा कोई ट्वीट शेयर भी किया लेकिन जो बात पीछे निकल चुकी है वो भी शेयर हुई दैट मींस इनका ये ट्वीट करना भी किसी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था वो बात भी इनके ट्वीट से प्रूव हुई और उस ट्वीट के अंदर इन्होंने ये बात मेंशन कर रखी है कि क्या कारण है कि एक ही दिन में सारे ट्वीट हुए इसके बारे में इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों लाइन यहां पर लिखी हुई है ट्विटर स्ट्रेम स्टॉर्म यानी कि ट्विटर पर एकदम बवाल भूचाल आएगा

एक ही दिन में ट्वीट किए एक ही दिन में सारी बातें किए इसका मतलब एक लंबे समय से इसकी रणनीति बन रही थी कि ऐसे-ऐसे किली हम चलेंगे और सरकार ने इसी को प्रोपोगेंडा कहा है कि भाई आपके द्वारा ये सेल्फ इंस्टिंक्ट नहीं है कि आपने एक दिन सब कुछ बुरा होता देखा आपने इसके खिलाफ कर दिया ये तो होता है कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आप सोच समझ के कर रहे हैं ये सारी चीजें अब ऐसा करना है अब ऐसा करना है और इसमें मेरे प्यारे साथियों इन्होंने जो आपत्तिजनक बातें साझा करी उन आपत्तिजनक बातों के अंदर यहां पर मेरे प्यारे साथियों बहुत सारी बातें ऐसी थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां ट्वीट स्ट्रॉम हो गया जूम सेशन हो गया इसके अलावा फिजिकल एक्शन भी यहां पर मेंशन किया गया है अब फिजिकल एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एम्बेसीज हैं अब यहां पर ध्यान से नोटिस करिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर लिखा क्या है कि अडानी और अंबानी जो हैं देखिए ध्यान से नियर इंडियन एम्बेसी अब यह बात बहुत ज्यादा चिंताजनक बन जाती है मेरे प्यारे साथियों कि फिजिकल एम्बेसीज के बाहर इन्होंने मतलब इधर देखिए ध्यान से अगर आप पढ़ पा रहे हो पॉइंट नंबर छ को आप देखें नियर इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट ऑफिस मीडिया हाउसेज और इवन अडानी अंबानी ऑफिस ग्लोबली ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी मतलब इन्होंने अपने द्वारा जो डॉक्यूमेंट साइन किया उसमें यह बात भी मेंशन की हुई थी कि विरोध प्रदर्शन ना केवल यहां पर किया जाएगा बल्कि भारत के दूतावासों के बाहर इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर सोची समझी रणनीति के तहत अब सरकार का जो दिमाग घूम रहा है वो यह है कि जो इसराइल के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था कहीं वो इसी प्रकार की रणनीति का तो हिस्सा नहीं था देखिए दो बातें हैं ग्रेटा थनबर्ग का ये यदि अकाउंट ट्विटर से साइन हुआ है और उसमें ऐसी रणनीतियां लिखी हुई हैं तो किसी ने उसका क्या मीनिंग निकाला ये तो वो समझने वाला समझेगा ना आह्वान हुआ था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया कुछ उपद्रवियों ने या फिर कुछ लोगों ने मिलकर के किसी पुलिस वाले की पिटाई बना दी उस आह्वान के ऊपर तो गांधी जी इस बात से अगर सटक गए कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे तो यह बात बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई इन्होंने तो आह्वान किया कोई पता चला कि इस बात से ही बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया कि नहीं हम तो एम्बेसी के बाहर बम रख के आएंगे अब यह जो स्थितियां हैं ये यहां पर निकल के आ रही है। और डेफिनेटली ये जो अडानी अंबानी ऑफिस है यह मैंशन किया गया है इसका मतलब यह हुआ कि इस बात को करवाने के अंदर किसी का बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है यानी कोई ऐसा है जो इनको टारगेट करके अपने कुछ हित जो है वो साधना चाहता है यह बात ग्रेटा ने शेयर करी 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 अब अच्छी बात तो क्या है साझा करी जो करी, इसके बाद इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और यह ट्वीट डिलीट होने के बाद ज्यादा वायरल हो गया कि भाई आपको इसका मतलब यह ट्वीट शेयर नहीं करना था या तो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी फिर इन्होंने इसके तुरंत बाद एक ट्वीट और किया और उस ट्वीट में इन्होंने लिखा कि हम जो हैं वो किसके साथ हैं मैं अभी भी किसानों के साथ हूं लेकिन इन्होंने वो ट्वीट डिलीट मार दिया फिर रात को इन्होंने एक ट्वीट और किया जिसमें कि इस प्रॉपर डॉक्यूमेंट को दोबारा से साइन किया गया लेकिन वो तारीखें हटा दी गई इसको सुधार करके फिर शेयर किया गया जो आपत्तिजनक बातें थी उन्हें डिलीट करके फिर साझा किया गया ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार की तरफ से एएनआई के हवाले से खबर आई कि ग्रेटर थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज कर लिया गया है क्योंकि वो देश में एक सुनियोजित प्रकार के प्रोपोगेंडा को प्रमोट कर रही थी इसके अलावा पूरे देश में इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा ये ट्रेंड करने लगा और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो समझने की है वो क्या है देखिए बहुत अच्छे से हम सबको समझ लेनी चाहिए कृषि बिल हित में है या अहित में है दो पक्ष हैं इसके सरकार और सरकार के अलावा किसान किसानों की मांगे जायज हैं या नाजायज है ये दोनों लोग मिलकर के डिसाइड करें यानी अल्टीमेटली इसका रास्ता क्या है रास्ता है इन दोनों के बीच बातचीत हो दोनों लोग आपस में बैठें जिन जिन जो हितधारक हैं जब स्टूडेंट्स के हितों की बात होती है तो स्टूडेंट चर्चा करता है किसान के हित की बात है किसान चर्चा कर रहा है किसान सरकार के साथ बैठ रहा है जो तीसरे लोग इसको भड़काने का काम कर रहे हैं वो अपने हित साध रहे हैं सरकार ने हाल ही में कुछ दिन पहले ट्विटर के ऐसे अकाउंट बैन करने के लिए ट्विटर से कहा था जिनके बारे में यह निकल के प्रूवन आ गया था कि वो सारे ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे उनकी लोकेशन इंडिया में डाल रखी थी ऐसी चीजों से बचने के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा तरीके से इन चीजों पर सख्ती बरती हुई है कि ऐसा कहीं ना हो कि देश के भीतर लोग इनको तुड़वाने के अंदर मदद करें यानी कि देश के अंदर ऐसा ना हो कि एक जनमानस क्रिएट हो जाए अब आप एक तरह से ऐसे समझिए आप और हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबकी सिंपैथी किसानों के साथ है इसलिए है क्योंकि जब भयंकर सर्दी पड़ रही थी किसान जो आपका अन्नदाता है वो सर्दियों में रोड पर बैठ करके अपनी जायज मांगों के लिए क्योंकि उसकी तरफ से वो जायज मांगे वो प्रदर्शन कर रहा है लेकिन आप सोच के देखिए इन प्रोपगेंडा वादियों की वजह से आप लोगों के जनमानस में अगर ये बात बैठ जाए कि किसान सरकार के विरोध में काम कर रहा है ऐसा तो नहीं है वो तो अपनी मांग मांग रहा है किसान सरकार विरोधी ना पहले था ना आज है ऐसा ही नोशन 26 जनवरी को भी ट्विटर तो गिरफ्तार भी कर लिया गया एग्जैक्टली exactly देश को यूनाइट होने की आवश्यकता है मसला हमारा है हमारा अन्नदाता परेशान है उसकी परेशानी हमारी परेशानी है क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे ही काम के लिए काम कर रहा है ऐसी स्थिति में जो तीसरे लोग इसमें नमर्च मिश्र मसाले डालकर के हमें अपने ही किसानों के खिलाफ भड़काने का जो कार्य कर रहे हैं इनसे संभलने की हमें आवश्यकता है क्लियर